Assalamualaikum, Big Love, Big Food, Big Recipe के साथ उस बार बार आपकी हिदमत में हाजिर है। तो आज मैं बनाऊंगा हॉट एंड सॉल्ट चिकन कॉर्न सूप। तो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने ये चिकन लिया है, छली के दाने लिए, अंडे लिए, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर और साथ में लिया मैंने अजीनोमोटो। तो साथ में इस्तेमाल करूंगा ये मैं सोया सॉस। तो चले चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, पानी गर्म हो गया हमारा। तो अब इसमें चिकन शामिल करते हैं। फिर पानी में चिकन डाल दिया, इसको मैं बॉईल करूंगा। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगा, तो इसको बॉईल होने तक इसको ऐसे ही पकाऊंगा मैं। चिकन की यखनी तैयार हो गई है, तो अब चिकन को बाहर निकाल लें। चिकन के मैंने रेशे काट लिए हैं, तो इसको वापस उसी यखनी में डाल देंगे। तो इस तरह ये सारा रेशे किया हुआ चिकन वापस मैं यखनी में डाल दूंगा। तो इसको मज़ीद आधा घंटा और पकाएंगे, उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें छली के दाने ऐड करूंगा मैं। अब इसमें काली मिर्च ऐड करूंगा, काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगा। अब इसमें अजीनोमोटो ऐड करूंगा। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगा। तो आप अंडों को इसमें शामिल कर देंगे। तो ये माशाल्लाह हमारा सूप हो गया तैयार। तो मैं इसको आप डिश आउट करूंगा और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो ये सूप को मैंने डिश आउट कर लिया। तो इसमें मैं आप ये सिरका शामिल करूंगा और ये चिली, ग्रीन चिली थोड़ी सी शामिल करूंगा इसमें। रेड चिली शामिल करूंगा, ये भी मैंने सिलके में भिगो के रखी थी, तो इसको भी हसबे जायका मैं आपने डाल दूंगा। क्या अब इसमें थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूंगा। तो ये हमारा चिकन कॉर्न सूप हो गया तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें,
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। तो इसके साथ ही उस्मान भट्ट को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।